इस पत्थर पे एक बार स्वामी जी कीजिए, ये देखिए ये साउंड इसका देखिए और उसका साउंड देखिए, ये देखिए कितना फर्क है दोनों में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आपका आज एक नए ब्लॉग में। और आज हम आए दोस्तों दत्त मंदिर, और इसको सूर्य कुंड मंदिर भी कहते हैं। और इसको जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, यानी कि ये अगर आप एलोरा आते हैं तो एलोरा से 8 किलोमीटर अंदर पहाड़ी के ऊपर आता है। और यहाँ की कुछ विशेषताएँ हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। और औरंगाबाद अगर आप आते हैं तो औरंगाबाद के आसपास में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो देखने योग्य हैं। तो आप हमारे औरंगाबाद के पूरे व्लॉग देख रहे हैं, वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी जर्नी कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी, तो आप हमारे व्लॉग वीडियोज़ कंटिन्यू देखते रहिएगा। और अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक पत्थर है जिसको पत्थर से पत्थर मारने से इसमें आवाज़ आती है घंटे बजने की, तो चलिए देखते हैं वो भाई। और मुझे मेरा प्रिय मित्र मानक भाई मुझे आज जो है कल रात को औरंगाबाद में मुझे पिक किया, और हम यहाँ पर एलोरा गए घूमे देखा यहाँ पर, वो गांव से वापस हैदराबाद जा रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं। इस स्थान का नाम है सूली बंजन। तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाने का रास्ता है पूरा। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर आए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संजीवनी शिला, या शिलेवर हल्का सा आघात केल्यास स्पष्ट सुरांची प्रतीची येते। ये है मंदिर, मंदिर के यहाँ पर लिखा हुआ है श्री दत्त धाम सूर्य कुंड शिष्यत्य सूली बंजन पर्वत। मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको भगवान दत्त भगवान के दर्शन करवाते हैं। ये है मंदिर का नजारा। ये मुख्य मंदिर है। जय भगवान। स्वामी जी ये मंदिर कितना पुराना है यहाँ पर? अपना जन्म होने वैसे बहुत पुराना मतलब। अच्छा भगवान दत्त भगवान का मंदिर ये सूर्य मंदिर, और यहाँ पर जो सूर्य कुंड चंद्र कुंड है वो नीचे, उसकी विशेषता क्या है? बड़े सूर्य चंद्र मुक्कम को तेज करके उसको सूर्य चंद्र को नाम दिया। अच्छा उसमें पानी का क्या है रहस्य? एक गर्म पानी एक ठंडा पानी का है। अच्छा और ये पत्थर का कुछ है यहाँ पर आवाज आती है? और एकनाथ महा के काम में टाल कुछ नहीं था। हाँ तो एकनाथ महा ने वो पत्थर पे बैठ के भजन करवा करके उसको संजीव जिला नाम दिया। तो ये बोर्ड लगा है यहाँ पर जो है वही है पत्थर? हाँ। अच्छा वैसे बोले तो मंदिर यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है एक ना थानी देवगिर गुरु सदगुरु जनार्दन स्वामी जी भेंट घेतली। भगवान जी ने यहाँ पर भेंट की थी उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी इस पूरे मंदिर के अंदर पेंटिंग की गई है, सब अलग अलग जो उनके पुराने समय के जो थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो पत्थर है जो शिला है उस पे आवाज कैसे आएगी वो पंडित जी दिखाएंगे। ये वो शिला है उसका मेन पत्थर से वो नीचे रखना पड़ेगा।
ये जो पत्थर है मतलब पहले वजन करने के लिए काम आता था, जब साजन नहीं थे तो उसमें ये काम। अच्छा, अब इस पत्थर पे एक बार स्वामी जी कीजिए, ये देखिए, ये साउंड इसका देखिए और उसका साउंड देखिए, ये देखिए कितना फर्क है दोनों में। वो फर्क है देखो, इसके ऊपर टट, इसके ऊपर मिट्टी आवाज आती है। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ी इससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम कुंड देखने नीचे जाएंगे। यहाँ से क्या ना नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होने की वजह से फोटोग्राफी की, यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और इन पहाड़ियों के ऊपर आने का जो रास्ता है वो बहुत ही डिफिकल्ट और एकदम डेंजर रास्ता है, यानी आधे रास्ते में तो रोड बनी हुई है, आधा रास्ता बहुत ही कच्चा है। इसी वजह से यहाँ ऊपर आने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो नज़ारा आपको दिखेगा ना उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ सब लोग फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। रो रही देखो, ये सूर्य कुंड और चंद्र कुंड का ये जो यहाँ पर नाम है इसका क्यों पड़ा, इसका वजह क्या है? यहाँ पे संत एकनाथ महाराज ने जो है तो तपस्या की थी दत्त भगवान की, तो दत्त भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन दे दिए, तो सूरज और चांद ने आसमान से देख लिया कि दत्तात्रेय भगवान जमीन पर खड़े हैं, तो वो भी नीचे उतर के यहाँ पे उन्होंने मुक्काम किया है। लेकिन उनसे दूर इसलिए रहे, नजदीक जाते तो वो जल जाते, इसलिए वो दूर खड़े रहे इधर। अच्छा। यहाँ पे एक रात उन्होंने मुक्काम किया है, इसलिए ये प्राचीन जगह है। तो ये प्राचीन समय के मतलब सूर्य भगवान और चंद्र भगवान दोनों इधर नीचे आए थे जमीन पर, और दत्तात्रेय भगवान ऊपर थे वहाँ पर थे। और वो पत्थर बजने का जो है तो उस संत एकनाथ जो भगवान थे ना वो भजन करते थे ना, तो उनके पास कोई किसी चीज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अच्छा, तो पत्थर को बजाया करते थे, पत्थर को बजाते थे, उससे वो उससे ताल सुर निकलने लगा। हाँ, अब तुम दूसरे पत्थर को यहाँ के बजाओ उसमें से नहीं बजता, नहीं बजता, इसको बजा नहीं आएगा, उसमें से आएगा। उन्होंने तभी इसमें पानी है। हाँ है। तो ये सामने आपको जो कुंड दिख रहे हैं ये चंद्र कुंड है और ये सूर्य कुंड है। इसकी ऐसी जो है यहाँ पर जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया वो यहाँ की जो है एक कहानी या वास्तविकता हो सकती है। ये सांबर देखिए आप, चटनी लेकर भाई, चटनी बताओ, चटनी देखिए लाजवाब है, टेस्ट हो कुछ बताओ। सही है ना? सही। तो पहले नाश्ता फिनिश कर लेते हैं, आते हैं दोस्तों, यहाँ पर खाने का बड़ा मज़ा है। तो दोस्तों फाइनली सूर्य होटल में खाना खाकर मज़ा आ गया, मज़ा आया ना, मज़ा आया ना। और मेरा भाई, मेरा जिगरी, नमस्कार सभी को, मेरे दोस्तों को। आज मेरा जिगरी, तीन चार दिन से हम साथ में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र का जो टूर किया था मतलब लाजवाब था, जहाँ भी गए हम, जैसे दौलताबाद फोर्ट, और कल गए थे एलोरा, और एक यहाँ पे वो मंदिर कौन था, हनुमान जी का भद्रा मारुति मंदिर, और वो मंदिर तो इतना मतलब आकर्षित, मतलब विचारित है। आप आओगे वो एक तो मूर्ति है, वो पत्थर की नहीं, पहली बात तो ये है, वो रियल मतलब जो अपने शरीर है वैसी मूर्ति है। मतलब मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में या फिर कहीं पर भी ऐसी मूर्ति, अपने समझकारी मूर्ति कहीं नहीं है। और यहाँ पे हनुमान जी खुद आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्वयंभू मूर्ति है हनुमान जी राम जी का। आप कहीं पे जाओगे सोती हुई मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे हनुमान जी ने आराम किया था, और वो जैसा का जैसा शरीर यही है, उनको नींद आ गई, मतलब नींद आ गई, मतलब सो गए। बहुत शानदार है, आप भी जब भी यहाँ आओगे तो एक बार जरूर आना। और ये एरिया भी काफी सुहाना एरिया है, ठंडा मौसम है, इतनी धूप में भी यहाँ पे ठंडा है, मतलब। और सितंबर में आओ आप यहाँ पर, मेन अगर यहाँ आओगे सितंबर महीने में आना, ताकि और मजा आएगा। तो भाई मेरे साथ था, अभी भाई जो है हैदराबाद के लिए यहाँ से निकल रहा है, और मैं यहाँ से आगे गुजरात की ओर निकलूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ आगे जो जो पॉइंट रहेंगे, हर व्लॉग आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, डिजिटली मेरे साथ यात्रा करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।